Hello guys, welcome back to Pragadmi. This is Pranav Kumar. Today we are going to study accountancy और आज शुरू करने जा रहे एक बहुत ही प्यारा सा chapter, वो है admission of a partner. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं admission of a partner. तो स्टार्ट करने से पहले फिर से आपका स्वागत है Pragadmi चैनल में. मैं प्रणव कुमार accountancy का सेशन लूंगा और आज हम लोग कवर करेंगे admission of a partner. तो आज है इंट्रोडक्शन क्लास, मतलब आज है पार्ट वन, मतलब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का पार्ट वन वीडियो है. तो यहां पर हम थोड़ा सा इंट्रो करेंगे कि क्या क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में और सीधा क्वेश्चन में आ जाएंगे. वो सारे कारणों पर हम चर्चा करेंगे, साथ साथ एकेडमी में आगे बने रहें, सपोर्ट करें. तो सपोर्ट करने के लिए फटाफट इस वीडियो को तो फटाफट आप लोग लाइक कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, चाहे व्हाट्सएप हो या फेसबुक पर. और जो भी कैंडिडेट जो नए हैं आप एकेडमी में क्लास कर रहे हैं तो प्लीज मेरे भाई सब्सक्राइब बिना किए हुए नहीं जाइए, सब्सक्राइब कर दो भाई, इतना ही चाहता हूं मैं बस. तो सेशन 22-23 में आपका क्लासेस चल रहा है, क्लास 12th ऑल बोर्ड्स अकाउंटेंसी. तो अकाउंटेंसी का पार्ट वन है यार, देख लो. पार्ट वन में हम लोग कवर कर रहे हैं चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. और ये सीबीएसई और बिहार बोर्ड, सीबीएसई प्लस बिहार बोर्ड प्लस आईसीएसई बोर्ड, ये सारे बोर्ड में जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आने जा रहे हैं उस सारे टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है. तो पेशेंस बना के रखिए, हेडफोन लगा लीजिए और इत्मीनान से सुनिए बातों को. कंटेंट क्या क्या कवर होगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा दोस्तों, थोड़ा टेंशन ना लें, शॉर्ट वीडियो के चक्कर में ना रहे. शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, कुछ कंटेंट गायब कर देंगे, कुछ गायब कर देंगे, कुछ पढ़ाएंगे कुछ नहीं पढ़ाएंगे, तो इससे क्या होता है ना, फेथ खत्म हो जाता है. तो थोड़ा सा अगर वीडियो लंबा भी चल जाए तो आप कोऑपरेट करें, ठीक है ना, क्योंकि हमें जहां तक लगता है कि हाँ यहां तक आज एक वीडियो बनाना चाहिए तो वहां बना रहा हूं. इसमें थोड़ा सा लंबा चल जाता है तो उसको पेशेंस बना के रखें. लंबा जाने का एक कारण होता है, क्वेश्चन जब सॉल्व करवाते हैं तो लंबा जाता है यार, क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं थोड़ा बहुत लंबा जाता है. तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में डायरेक्ट क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है. तो पहले कंटेंट समझ लीजिए और क्यों डायरेक्ट क्वेश्चन में आएंगे उसका भी रीजन मैं दूंगा, टेंशन नहीं को लेने का. तो सबसे पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर में सबसे पहला कंटेंट है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखेंगे अपन लोग, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखेंगे. तो यहां से देखिएगा, यहां पर हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सीखेंगे. चलिए मैं बताता हूं क्यों एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में जस्ट क्वेश्चन करेंगे. क्यों? क्योंकि इसका जो भी कॉन्सेप्ट था, इस जो भी कॉन्सेप्ट था, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, ये सारा का कॉन्सेप्ट हमने कवर कर दिया था. कहां? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इसी के लिए मैंने वहां पर कहा था कि भाई जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कमांड कर लेगा, जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कमांड कर लेगा, उसको ना एडमिशन में दिक्कत होगा, ना रिटायरमेंट में दिक्कत होगा, ना डेथ में दिक्कत होगा. इसी के लिए जो भी बच्चे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर कमांड नहीं किए हैं तो आप जाके कमांड करो. ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ एकेडमी में कमांड करो, आप कहीं भी लेक्चर्स एंजॉय करो, कहीं भी देखो, लेकिन भाई जो सच्चाई वो सुन लो. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर कमांड कर लिए तो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में कोई पंगा नहीं होगा, सब बन जाएगा, ठीक है. क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कवर कर दिया गया है, ठीक है. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यही दिक्कत था ना कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वहां दिया रहता था. तो चलिए यहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के माध्यम से मैं यहां पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना सिखा दूंगा, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है. तो ये दो कंटेंट करेंगे और जो बच्चे नहीं किए हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर लीजिए. सेकंड में है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. बताओ यार चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्लास लिया गया है कि नहीं लिया गया है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मतलब जर्नल एंट्री. अंतर बस इतना ही है ना कि यहां पर पार्टनर एडमिट होगा, पार्टनर इज एडमिटेड, इसीलिए थोड़ा जर्नल एंट्री यहां पर देखेंगे. अंतर कुछ नहीं है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया वही यहां पर करेंगे. बस यहां पर आपको पार्टनर एडमिशन होते हुए दिखेगा, बस अब पार्टनर एडमिशन होते हुए दिखेगा, इसीलिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल रहा है. जैसे मान लो ए और बी पहले से पार्टनर है, 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहा था, अब सी एडमिट किया 1/5 शेयर लेकर के, तो आपका जाकर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाएगा. तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो एबीसी का होगा यही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा, एनपीएसआर. तो ये कैलकुलेट करना सीखना है, कोई भारी बात नहीं है.
चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये NPSR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहता था, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो निकाल लेते थे, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपने चैप्टर 3 में ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी नहीं किया है, बताओ तो जल्दी से। ये बताएगा वो ना भाई जो पढ़ा है, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी क्या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कवर नहीं करवाया गया? करवाया गया। ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन का एक्युमुलेटेड प्रॉफिट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं करवाया गया? करवाया गया। इसे के लिए मैं क्या कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर है और इस सारे टॉपिक पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्वेश्चन भी बनवा दिया गया है, या आप बनाए होंगे, मैंने बनवाया या आप बनाए होंगे। मुद्दा यह है कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर है और कुछ क्वेश्चन भी हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर चुके हैं, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन के थ्रू काम करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन के रिगार्डिंग में अगर कहीं कुछ कॉन्सेप्ट लैक रह जाता है, कमियां रह जाती हैं, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने के ड्यूरेशन में ही आपको समझा दिया जाएगा। बात को समझ गए? तो ये चार टॉपिक है, ध्यान रखना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। फिर नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। भाई ये पिछले साल नहीं था, जैसे पिछले साल टर्म वन टर्म टू था ना, टर्म वन और टर्म टू था, आपको पता है कोविड कारण टर्म वन टर्म टू किया गया था पिछले साल, तो ये टॉपिक को डिलीट कर दिया गया था, लेकिन आपके किस्मत में वो मजा नहीं है, आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस कवर करना है, आपको मार्च में बोर्ड देना है, तो यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट करना होगा। फिर हिडन गुडविल भी करना होगा, हिडन गुडविल का जब हम टॉपिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे, टेंशन नहीं लेना, जहां कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया वहां कॉन्सेप्ट में बताऊंगा यारो, तो कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, कॉन्सेप्ट के साथ यहां पर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ठीक है। और लास्ट आपका जो रहेगा वो प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट और बैलेंस शीट, ये आपको करना है। तो एडमिशन में जो क्वेश्चंस लॉन्ग में आता है मैं अभी बता देता हूं, वो तीन फॉर्मेट में आता है, क्वेश्चंस पूछता है प्रिपरेशन ऑफ, यहां देखो पहले से बता देता हूं किस तरह से, यहां पर आता है क्या, प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर आता है ए बी प्रिपरेशंस ऑफ क्या बोलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पांच से लेकर के छह मास के क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं लॉन्ग में, प्रिपरेशंस ऑफ बैलेंस शीट। बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा तो जर्नल एंट्री भी पूछ लेगा कि जर्नल एंट्रीज भी हमें चाहिए, ये लॉन्ग क्वेश्चंस का नेचर है, जो एडमिशन में भी आता है, रिटायरमेंट में भी आता है, डेथ में भी आता है, इसी नेचर का क्वेश्चन, और इसी नेचर का क्वेश्चन को आपको ज्यादा हम प्रैक्टिस करवाएंगे जो बोर्ड में आता है। अरे भैया ये एडजस्टमेंट कैपिटल हिडन गुडविल ये तो एक छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन यही सारा टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है जो फॉर्मेट इस तरह से आता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, जर्नल एंट्री बनाओ, ठीक है। तो इसी तरह सॉल्व करेंगे, तो सातों कंटेंट आप लोग देख लिए, फिर से देख लो यार, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैं क्लियर कर देता हूं, थोड़ा साफ सफाइया, तो यहां पर देख लो क्या है, पहला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, फिर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, फिर हिडन गुडविल, और लास्ट में हम लोग करेंगे प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट और बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट ऊपर कर ही चुके हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ऊपर पढ़ ही लिए हैं, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट और बैलेंस शीट सीख जाएंगे, तब ये जो नेचर है, जैसे जर्नल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, इस नेचर का जो क्वेश्चन आता है वो कवर हो जाएगा। चलिए तो आज हम लोग जो कवर करेंगे भाई, वो टॉपिक कवर करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर पूरा कैलकुलेशंस, मतलब ये कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप जानते हैं, जब कोई भी पार्टनर्स आपको ऐड होगा, ठीक है, एडमिशन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ऐड का बात करेंगे, जब कोई भी पार्टनर एडमिट होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, ठीक है। साथ साथ मैं ये भी बता दो कि न्यू NPSR कब कब चेंज होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब कब चेंज होगा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ये थोड़ा सा समझ लीजिए अभी, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, ठीक है, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन, उसको ऐसे लिख देते हैं, एट द टाइम ऑफ
चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एट द टाइम ऑफ डेट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये चारों के चारों कंडीशंस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका बनता है। ठीक है, तो अभी आज जो हम कवर करेंगे पार्ट वन वीडियो, मतलब पार्ट वन वीडियो किसके नाम होगा, तो पार्ट वन वीडियो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के नाम कुर्बान होगा, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड करेंगे। और क्वेश्चंस का सीरीज थोड़ा सा इतना लंबा है ना कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक दिन के क्लास में नहीं हो पाएगा, इसको नेक्स्ट क्लास में भी हम और क्वेश्चंस करवाएंगे, मतलब क्वेश्चंस जो है वो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करवाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बचे हुए क्वेश्चंस और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसके लिए फटाफट हम आ जाते हैं टॉपिक पर। तो टॉपिक मेरा क्या है सर, टॉपिक आइए सर, मेरा टॉपिक क्या है सर, आज का टॉपिक है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दोनों लिखा हुआ है, लेकिन हम मुद्दा आज कवर करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्वेश्चन वन आपके सामने, पेशेंसली देखिएगा, ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4, ए बी पार्टनर है 5:4 में वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट को शेयर कर रहा है, सी आ गया, सी एडमिट किया 1/10 शेयर, मतलब सी को आया बोला कि ए बी पहले से पार्टनर था, समझे, सी एडमिट हुआ, सी एडमिट हुआ और सी को मिल रहा है कितना शेयर, 1/10 शेयर, कौन दे रहा है, यही दोनों ए बी अपने में से देगा, तो सी को मिल रहा है 1/10 शेयर ऑफ ए प्रॉफिट विच ही एक्वायर इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ। अब ये जो 1/10 शेयर जो मिल रहा है सी को, ये इक्वली ए से और बी से दोनों से लिया है, देखो लिखा हुआ साहब विच ही एक्वायर, ही किसके लिए आया है, सी के लिए, तो विच ही, तो ही की जगह पर सी बोल देते हैं, विच सी एक्वायर इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ, मतलब सी का जो 1/10 शेयर जो मिलेगा वो ए और बी से इक्वली लेगा। अब देखो यार, अब सीधा सा बात है, सी के पास ध्यान दो, सी के पास 1/10 शेयर है, अब ये 1/10 शेयर इक्वली आया है ए और बी से लेकर के, तो इक्वली कैसे होगा, तो इक्वली करने के लिए 1/2 कर दो आधा, क्योंकि आधा कहां से मिला है, एक मिनट, इसको ऐसे समझो, सी के पास शेयर कितना 1/10, आधा कहां से मिला है ए से, आधा कहां मिला है बी से, ए से कितना मिला है 1/10 का आधा, क्योंकि कह रहा है कि सी कह रहा है कि 1/10 शेयर जो हमको मिला है वो आधा ए से मिला है और आधा बी से मिला है, तो ए से आधा मिला है, मतलब 1/10 × 1/2, मतलब 1/20, और सी से आधा बी से आधा मिला है तो 1/10 × 1/2, मतलब 1/20, तो 1/20 शेयर्स फ्रॉम ए से मिला है किसको, सी को, 1/20 शेयर ए को बी से मिला है किसको, सी को, तब जाकर के सी का शेयर हो गया है मिल करके 1/10, आप जोड़ लो ना भाई, 1/20 + 1/20, 20 LCM 20, 1/10, ये आपका हो गया। ठीक है, तो चलिए, तो आप देख लीजिए सॉल्यूशंस तो मैं आपको रफली बता दिया हूं, लेकिन आपको इस तरह से सुनहरे शब्दों में लिखना है, क्या लिखना है, सॉल्यूशंस लिखना है। देखो सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड, अगर मार्क्स चाहिए तो भैया साफ साफ अच्छा प्रेजेंटेशन से लिखना, क्योंकि सिंपल सा बात है मेरे भाई कि आपको अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन जितना अच्छा करोगे उतना मार्क्स अच्छा आएगा। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो ए और बी का कितना था 5:4, सी के पास शेयर कितना है 1/10, सी मतलब विच ही एक्वायर इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम बोथ, मतलब सी इक्वली लेगा, तो ए 1/20 देगा, बी 1/20 देगा, अभी आप देखें, अब ए 1/20 देगा, बी 1/20 देगा, तो सी के पास 1/10 आ गया, लेकिन दिक्कत क्या हो गया, ए के पास जो पहला रेशियो था 5:9 का था, कॉर्स देखो ए का रेशियो 5:4 था, मतलब ए का रेशियो एगो हो गया 5:9 और बी का रेशियो हो गया 4:9, अब ए का रेशियो पहले से था 5:9, अब उसमें से 1/20 शेयर दे दिया कि सी को दिया ना मेरे भाई, अरे भाई मेरे यहां देखो, यहां पर ए ने सी को 1/20 शेयर दिया ना, यहां देखो तो 1/-माइनस करोगे ना, तो 5:9 में से माइनस कर दोगे 1/20 शेयर्स को, तो 91 / 180 आ जाएगा। ठीक है,
एलसीएम एलसीएम तो लेने आता ही होगा आपको यार, वो तो हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको सिखाएं। बी का पहले से शेयर था 4/9, बी ने अपने शेयर से 1/20 दे दिया, तो 4/9 माइनस, या तो माइनस किया गया, माइनस 1/20, 71/180, ठीक है। अब तो भैया ए का न्यू शेयर आ गया, बी का न्यू शेयर आ गया, सी का रेशियो कितना था 1/10। अब सबका देखो, यहां पर सबका देखो डिनोमिनेटर 180 है, 180 लाने के लिए हम डिवाइड करेंगे बाय 18, और ऊपर भी डिवाइड करेंगे, ऊपर भी गुना करेंगे 18, डिवाइड है भाई, गुना गुना करेंगे। अरे भैया जो डिनोमिनेटर है, ए का डिनोमिनेटर 180, बी का डिनोमिनेटर है 180, तो सी को भी तो 1/10 नहीं ना छोड़ सकते हैं, हमको तो डिनोमिनेटर सेम करना है, रेशियो का यही खेला है, तो 1/10 है, तो अब इसको 180 करने के लिए क्या करेंगे, 10 में गुना कर देंगे 18 से, तो कितना हो जाएगा 180, और ऊपर भी हो जाएगा 18। रेशियो का एक नियम है, जितना नंबर से नीचे मल्टीप्लाई होगा उतना नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, मतलब जितना नंबर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा उतने नंबर से न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई होगा। देखो तो बेसिकली चल रहे हैं कि जो भी बिहार बोर्ड के बेचारे बच्चे जो है थोड़ा सा दिक्कत हो तो समझ जाए, नहीं तो इतना आसान से समझाना नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन है यार, कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट बस ऊपर ही था, कॉन्सेप्ट सिखाना था बस ऊपर में ही था, वो सिखा दिए, लेकिन आप सोच रहे हैं कि थोड़ा कैलकुलेशन को भी बात ध्यान में रखें, क्योंकि बिहार बोर्ड के भी सब बच्चे हैं जो क्लास को रेगुलरली वॉच करते हैं, तो उनको भी दिक्कत ना हो। तो 18/1 180 आ गया, तो न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशियो क्या आ गया, तो ए का हो गया 91/180, बी का कितना हो गया 71/180, सी का कितना हो गया 18/180। अब 180 गायब कर दो, डिनोमिनेटर सब सेम हो गया, गायब कर दो, तो अब हमारा हो जाएगा 91:71:18, A:B:C, खत्म, खल्लास, ठीक है। वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देखना यार, नहीं समझ में एक दो बार रिपीट करके देखना, फिर भी अगर कोई पंगा होगा अपन रेडी है, अपन को मैसेज करना, कमेंट करना, जो करना करना, टेलीग्राम में मैसेज करना, जहां भी करना, मैं इसको और बढ़िया से समझा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन टू को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन टू में क्या कर रहा है, ABC आर ए पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 में कर रहा है, सी एंड डी आर एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, सी और डी एडमिट हो रहा है नए पार्टनर के रूप में, ए सैक्रीफाइज 1/4 ऑफ हिज शेयर, ए सैक्रीफाइज कर रहा है, कुर्बानी दे रहा है अपना कितना शेयर, 1/4 शेयर किसको दे रहा है, सी को, मतलब ए जो है अपने शेयर में से, अपने हिस्से में से 1/4 शेयर किसको दे रहा है, सी को दे रहा है। उसी तरह से बी सैक्रीफाइस कर रहा है अपने शेयर का 50%, और वो किसको दे रहा है, डी को दे रहा है, कोई बात नहीं। तो ए का कितना शेयर है 3/5, बी का कितना शेयर है 2/5, ए अपने हिस्से का 1/4 दे रहा है और बी अपने हिस्से का 50% दे रहा है, ठीक है। किसको दे रहा है, सी को दे रहा है, किसको दे रहा है, ए सी को दे रहा है, बी डी को दे रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब यहां पर ए दे रहा है, तो ए कितना दे रहा है भैया, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ए कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 3/20, और इसका आधा अगर कर लेंगे 1/2 कर देंगे, तो यहां पर हो जाएगा 2/10, कोई बात नहीं, जितना सेक्रीफाइस किया उतना घटा लो। तो ए का शेयर पहले से कितना था 3/5 माइनस 3/20, बी का शेयर कितना था 2/5, अब कितना डी को दे दिया 2/10, तो 2/10 ए कर दो, तो ए और बी का न्यू रेशियो आ जाएगा, और सी और डी को जो मिला है, सी को कितना मिला है 3/20, डी को कितना मिला है 2/10, अब रेशियो मिला लेंगे। चलो 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 मेरे भाई, थोड़ा हड़बड़ में हो गया सर, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। अरे मेरे भाई, बात को समझो, मुद्दे को समझो। ए कहा ना कि अपने शेयर का 1/4 शेयर सी को दे देंगे, बी ने कहा अपने शेयर का 50% हम डी को दे देंगे, कोई बात नहीं। ए का शेयर कितना है 3/5, अब देखो ना 3:2 है, तो कितना बनेगा, ए का कितना बनेगा 3/5, बी का कितना बनेगा 2/5। अब ए अपना 3/5 में से 1/4 शेयर सी को दे रहा है, मतलब 3/20 सी को दे दिया, ए अपने शेयर से 3/20 पार्ट्स दे दिया। बी कहा कि 2/5 शेयर मेरा है, उसमें से 50% दे देंगे, तो 50% जो हुआ, 50% मतलब हमने क्या किया, 2/5 × 1/2, क्योंकि हाफ को हम 50% मानते हैं, तो यहां पर हो गया 2 × 2, अब नीचे गुना हुआ 5 × 2 = 10, मतलब 2/10 किसको मिल गया, डी को मिल गया, किसको मिल गया, डी को मिल गया, ए डी भाई सौ को मिल गया। तो सी और डी का तो क्लियर हो गया, जल्दी बताओ हाँ या ना, सी और डी का तो क्लियर हो गया ना,
अरे थोड़ा काम कर ले टाइम पर भाई। सी का तो क्लियर हो गया कि सी को कितना मिला 3/20, डी को कितना मिला 2/10, तो सी और डी का तो क्लियर हो गया, कोई टेंशन नहीं है, सी और डी को कोई टेंशन नहीं है। डी को कितना मिला 2/10। अब दिक्कत क्या है ना कि ए और बी का कैलकुलेट कर लो बस, क्योंकि सी और डी का तो न्यू रेशियो हमको पता चल गया, सी को 3/20, डी को 2/10। अभी हम इसको अरेंज करना बाकी है, एलसीएम हम लोग सेम करेंगे, लेकिन पहले ए का देख लेते हैं। तो ए जो है, ए का शेयर पहले था 3/5, उसमें से 3/20 किसको मिल गया था, सी को मिल गया था, तो उतना चीज तो घटाना पड़ेगा। बी के पास पहले 2/5 शेयर था, उसने 2/10 शेयर डी को दे दिया, तो उतना घटाना पड़ेगा। घटाने के बाद जो आएगा वो आपका ए का न्यू रेशियो होगा, बी का न्यू रेशियो होगा। चलिए सॉल्यूशंस की ओर मूव ऑन करते हैं, प्यार से देख लीजिए। ए का 3/5 था, 3/20 घटा दिया, 9/20 आ गया। बी का 2/5 शेयर था, 2/10 डी को दे दिया, तो 4/20 आ गया। मतलब 2/5 - 2/10 तो 2/10 ही आएगा। तो देखो आराम से समझो, ए का आ गया 9/20, बी का आ गया 2/10, सी को तो कितना मिला था, सी को मिला था 3/20 और डी को मिला था 2/10। अब एक चीज देख रहे हो यार, डिनोमिनेटर सब उल्टा पुल्टा है, यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, 10 है। तो एक काम करते हैं, ये 20 है ना, सबको 20 बनाओ, इंटू 2 कर दो, 10 को इंटू 2 करोगे तो 20 हो जाएगा, तो ऊपर भी इंटू 2 कर दो, यहाँ 20 है ही है, यहाँ 20 करो तो 10 इंटू 2 कर दो, यहाँ पर ऊपर कर दो। मतलब जितना नंबर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा उतना नंबर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। तो ए का क्या आ गया, फिर से लिखो, ए का आ गया 9/20, बी का आ गया 4/20, सी का आ गया 3/20 और डी का आ गया 4/20। अब देखो तुम्हारा डिनोमिनेटर सब जगह सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमिनेटर को पकड़ करके रेशियो बना दो, a:b:c:d हो जाएगा तुम्हारा 9:4:3:4। क्लियर, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो, कैलकुलेशंस को आराम से समझो, एक दो बार रिपीट करो तो बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, ठीक है, इसीलिए परेशान नहीं होना है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। चलिए बात क्या है, ए है, ए को सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चंस है, नंबरिंग जो भी दे दीजिए 3-4। तो यहां पर ये क्वेश्चन है, ए बी सी पार्टनर है इन प्रोपोर्शन 3/6, 2/6, 1/6। आप एक चीज देख रहे हो, दोनों का मतलब यहां पर डिनोमिनेटर सब सेम है, मतलब यहां पर बनेगा 3:2:1 का रेशियो। अब हुआ क्या है ना कि थोड़ा सा यहां पर छिप रहा है, डी एडमिट हो रहा है, डी एडमिट हो रहा है इन फॉर्म, ए बी सी तो पहले से पार्टनर था, डी आया बोला 1/6 शेयर चाहिए, तो आपको कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब डी आया बोला 1/6 शेयर मेरे को चाहिए, तो अब जा करके ए बी सी और डी का न्यू प्रॉफिट एनपीएसआर क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, क्योंकि मैंने बोला था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब कब कैलकुलेट होता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ डेथ और एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी जब पलटता है तो ऐसा काम होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनता है। तो यहां मुद्दा क्या है कि एबीसी पहले से पार्टनर थे, 3:2:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, डी आया 1/6 शेयर मांग रहा है, तो जब डी को 1/6 शेयर दिया जाएगा तो अब जाकर के ए बी सी और डी का क्या नया रेशियो रहेगा। तो चलिए ए का सॉल्यूशंस देखते हैं, ए का सॉल्यूशंस आपके सामने है, तो सॉल्यूशंस को क्या देखें, मेरी बातों को समझे, सिंपल सा कैलकुलेशन है। यहां क्या कीजिए ना कि जैसे कहानी क्या है, ए बी सी 3:2:1 का रेशियो ले रहा है, डी बोला हमको 1/6 शेयर चाहिए, यही ना बोला, एक काम कीजिए पूरा शेयर, पूरा ये तो बांटा हुआ शेयर है, तोड़ा हुआ शेयर है, टुकड़ा में बांटा गया है 3:2:1, तो एक काम करते हैं पूरे शेयर का वैल्यू 1 ले लेते हैं, मतलब 100% 100% में से पहले डी को जो शेयर मिलना है ना वो घटा देते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जो शेयर है 1 है और डी को मिलने वाला 1/6, तो एक में से 1/6 को घटा देते हैं तो 5/6 आ जाएगा। ये 5/6 किनका शेयर होगा, इसमें से शेयर ए का है, बी का है और सी का है, क्योंकि डी का तो 1/6 शेयर है जो घटा दिए, तो पूरे 100 में से डी का जो शेयर है 1/6 उसको लेस कर दिए, लेस करने के बाद 5/6 आया,
वो रिमेनिंग शेयर हुआ। इस शेयर में किसका किसका हिस्सा है, ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है। अब इन लोग क्या करेगा, ए बी सी अपने में बांटेगा। कैसे बांटेगा, तो ए 5/6 शेयर तो पूरा ए का नहीं ना है, किसका है, ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है। तो 5/6 में से वो कितना हिस्सा ए लेगा, तो जितना हिस्सा पहले से वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखा हुआ था, कितना रखा हुआ था, 3:2:1 मतलब 3×2=5, 6, 3/6, 2/6, 1/6। तो 5/6 जो शेयर है, जो बचा हुआ शेयर है, उसमें से ए अपने हिस्से तक का ना लेगा, तो ए का हिस्सा कितना है, 3/6, तो 3/6 भाग में लेगा। बी 5/6 में से अपने ही हिस्से का शेयर लेगा जो 2/6 है। सी कितना लेगा मेरे भाई, सी 5/6 में से अपने ही हिस्से का शेयर लेगा 1/6। कितना हुआ, 5×3=15, 6×6=36, 5×2=10, 6×6=36, 5×5=6×6=36, ठीक है। तो ए का शेयर, न्यू शेयर क्या हो गया, 15/36, बी का आ गया 10/36, सी का आ गया 5/36, और डी का कितना है मेरा भाई, जल्दी से बता दो, अरे जल्दी तुम लोग बता दो, डी का है सर 1/6। मजा खराब हो गया, सबका नीचे 36 है डिनोमिनेटर, आप 1/6 है, कोई टेंशन नहीं सर, हम इसको 36 बना देते हैं, × 6 × 6 कर देते हैं, 6/36 हो गया सर। अब हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, ए बी सी और डी का, तो ए का है सर 15/36, बी का है सर 10/36, सी का है सर 5/36, और डी का है क्या 3/36, मतलब यहाँ रेशियो हो गया 15:10:5:6। अब यहाँ पर क्या है ना कि ये रेशियो आ गया, बहुत अच्छा रेशियो आ गया, मतलब A:B:C:D का रेशियो आ गया, लेकिन याद रखिएगा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना होगा, अगर सारा नंबर आपस में कट रहा है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ सकते हैं, लेकिन यहां पर कहीं नहीं टटेगा, टूटेगा, क्योंकि 15 5 से डिवाइड होगा नहीं तो 3 से होगा, 10 डिवाइड होगा 10 से 1 से या 2 से, 5 अपने आप 5 से तीनों हो जाएगा लेकिन 6 नहीं हो पाएगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब सब अपने में कट जाए, मतलब और भी छोटा रूप, जैसे यहां पर होता है ना 3 3 6, तो यहां पर 3 अपने में से एक बार में कट जाता है, जैसे समझा रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, मान लो 3:2:3:6 आता है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाता है, 1:1:2, मतलब 3×1=3, इसीलिए 1 3×1=3 कट गया, 3×2=6, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, वही चीज समझा रहे हैं, लेकिन यहां पर ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है, इसीलिए सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगा, रेशियो वही रहेगा, क्या रहेगा रेशियो, रेशियो होगा 15:10:5:6, ठीक है। ठीक है, तो आप यहीं पर एक ही इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन हम तो यहीं पर समझा दिए, तो यही समझ जाइए, इस चीज को समझिए, इसको समझिए, मेन ये है समझिए, और ये जो कैलकुलेशन किए हैं इसको समझिए, और समझते 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 यहाँ आंसर आ गया, ठीक है। बाकी डिटेल सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है, यहाँ का आंसर। चलिए बी में क्या कह रहा था, बी वाले क्वेश्चंस में आता है, बी में कह रहा है कि एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:3 में कर रहा है, डी वाज फॉर 10% प्रॉफिट, मतलब डी 10% प्रॉफिट का हिस्सा है, अरे 10% को क्या करो ना, 10% कैसे लेकर आएगा, 10/100 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1/10, मतलब डी को चाहिए 1/10 शेयर, वही क्वेश्चन है यार, बस मुद्दा क्या था ना, 10% लिख दिया, अब 10% को जब हम 1/10 कर दिए तो कहानी खत्म हो गया, मतलब डी को चाहिए 1/10 शेयर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो पहले से 5:4:3 में ए बी सी काम कर रहा था, डी 1/10 शेयर लेने के लिए आया, तो अब आपको बताना है कि ए बी सी और डी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग NPSR क्या होगा। तो ये तो वही जैसा क्वेश्चन हो गया, ए के तरह ही हो गया, जैसे ए में क्या था, डी को 1/6 शेयर चाहिए था, बी में क्या है, डी को 1/10 शेयर चाहिए, बस क्वेश्चन वही है, बस अंतर क्या किया था, खेल क्या खेला था, खेल ये खेला था कि यहां पर 10% कर दिया और यहां पर खुल के 1/6 शेयर लिख रहा था, या 10% कर दिया, तो हम तो तेज बच्चे हैं, हम लोग तो तेज बच्चे हैं, हम लोग प्रेकेडमी के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग ने क्या किया, 10% को क्या कर दिया,
10% को क्या कर दिया, उसको तोड़ दिया। 10% मतलब 10/100, 10/100 मतलब 1/10, मतलब 1/10 शेयर चाहिए डी को। तो क्या करना है, यहां पर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पूरा शेयर का वैल्यू 1/10, वैल्यू आ जाएगा 9/10। अब ये 9/10 किसमें बटेगा, ए में बटेगा, बी में बटेगा, सी में बटेगा। ए है 9/10, ए का रेशियो क्या है, 5:3:4 था ना, 5:4:3 था, एक मिनट देख लेते हैं, 5:4:3 था। तो 5:4:3 होने का मतलब क्या हो गया, 5:4:3 मतलब ए का हो गया 5:4:9, 5:4:9:3, 12, 5/12, बी हो गया 4/12 और सी हो गया 3/12। तो ए जो है पूरा 9/10 रिमेनिंग शेयर है, रिमेनिंग शेयर में ए कितना लेगा, अपना हिस्सा का लेगा 5/12, बी कितना लेगा 9/10 में से अपने हिस्से का शेयर 4/12, और सी कितना लेगा अपने ही 9/10 में से अपने हिस्से का शेयर 3/12। अब कैलकुलेट करके आएगा तो क्या आएगा, ए का आएगा 15/40, बी का आएगा 12/40, सी का आएगा 9/40 और डी का 1/10 है, सबके नीचे 40-40 है, तो डी को भी 40 बनाओ, तो 1/10 है, इसको 40 बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे भी 4 से गुना करेंगे, ऊपर भी 4 से गुना करेंगे, मतलब 4/40। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबका आ गया, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 15:12:9:4। ये देखो इसको कैसे कन्वर्ट किया, उसके बाद कैसे पहुंचा, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थ्री स्टेप, ठीक है। चलिए मुद्दा पर देखो, राम एंड सैन पार्टनर से शेयरिंग प्रॉफिट 7/12 and 5/12, गोपी एडमिट हो रहा है एज अ न्यू पार्टनर, 1/6 शेयर चाहिए, ही किसके लिए आ रहा है, गोपी के लिए आ रहा है, ये सब थोड़ा सा स्टेटमेंट पकड़ा करो, ही किसके लिए आ रहा है, गोपी के लिए आ रहा है, तो गोपी एक्वायर कर रहा है इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है, कुछ नहीं टेंशन है। ये जो गोपी है ना 1/6 शेयर लिया है, ये 1/6 ऐसे नहीं आया है, आधा ही लिया है राम से और आधा लिया है श्याम से, मतलब आधा मतलब 6 1/6 का आधा कितना हो गया, तो 1/6 × ½ कर दो, मतलब 6/12 राम से लिया है, 6/12 श्याम से लिया है, कुछ नहीं करेंगे, राम का जो शेयर है, राम का कितना शेयर है 7/12 में से 6/12 घटा देंगे, और श्याम के शेयर में से कितना था 5/12 था ना, 5/12 में से 6/12 घटा देंगे, 5/12 में से माइनस करेंगे 6/12, तो जो आंसर यहां पर आएगा यो न्यू रेशियो हो जाएगा राम और श्याम का, तो देखिए राम और श्याम का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 7/12 में से 1/12 घटा दिए 6/12, 5/12 में से 1/12 घटा दिए 4/12, तो राम का 6/12 आ गया है और श्याम का 4/12 आ गया है, और गोपी का कितना मिला था 1/6, तो सबका डिनोमिनेटर 1/12 है, मतलब 12 है, तो गोपी का 12 आने के लिए क्या करेंगे, × 2 × 2 मतलब 1/12, तो रेशियो क्या बनेगा 6/12 4/12। अरे यार देखो ना, यहाँ पर राम का है, ये श्याम का है, ये गोपी का है, तो राम का 6/12, श्याम का 6/12 और गोपी का 1/6, फिर इसको एक जगह किए 6:4:2, देखो 6:4:2 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाया, 3:2:1 यही बोल रहे थे, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, तो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना, बिहार बोर्ड वाला तुम लोग को क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, तो ऑप्शन में दोनों दिया रहेगा, ए ऑप्शन में दिया रहेगा 6:4:2 और बी ऑप्शन में दिया रहेगा 3:2:1, तुम आंसर लाओगे 6:4:2, खुश हो जाओगे, मार दोगे ऑप्शन, तुम भूल जाओगे कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये भी होता है, और सिंपलेस्ट फॉर्म ही आंसर होता है, अच्छा बच्चा इस पर मारेगा और ज्यादातर 90% बच्चा इस पर टिक करेगा, ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा सही, तो बिहार बोर्ड वाले इस चीज को याद रखना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना वही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 1 में सबसे पहले इसी तरह का क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, इसी के लिए कुछ नया नहीं है। अरे भैया समझो, यहाँ पर गोपी को 1/6 शेयर चाहिए, जो कि ये इक्वली लिया है राम से भी श्याम से भी, इक्वली लाने के लिए 1/12 कर दो, तो राम से लिया है इक्वली, तो 1/6 × 1/2 कर दिया 6/12, श्याम से लिया 1/6 × 1/2 6/12,
अब क्या हुआ ना कि राम से 1/6/12 शेयर ले लिया और श्याम से भी 6/12 शेयर लिया, तो राम में 6/12 शेयर तो खत्म हो जाएगा क्योंकि राम अपने हिस्से का 6/12 शेयर गोपी को दे दिया, श्याम अपने हिस्से का 6/12 शेयर गोपी को दे दिया, तो राम के शेयर से कटेगा, श्याम के शेयर से कटेगा। वही काम यहां किए हैं, राम का 7/12 पहले से शेयर था 1/12 घटा दिए, श्याम का शेयर पहले से 5/12 था 1/12 घटा दिए, तो 6/12 राम का आ गया, 4/12 श्याम का आएगा, गोपी का 1/6 था, नीचे 12/12 आ गया, 12 को 12 लाने के लिए क्या कर दिए, 6 × 2 कर दिए, जितना नंबर नीचे डिनोमिनेटर में गुना होने के लिए आएगा उतना न्यूमरेटर में आएगा, इसीलिए ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो ये क्या हो गया 1/12। तो अब ले आए, चलो बी में क्या कर रहा है, एबीसी है पार्टनर्स, 3:2:1 में प्रॉफिट को शेयर कर रहा है, एडमिट किया है डी को 1/8 शेयर देने के लिए, और खुल के कह रहा है कि ही किसके लिए आया, डी के लिए, डी एक्वायर 1/16 शेयर फ्रॉम ए, मतलब डी जो है 1/16 शेयर बी से ले रहा है और 1/16 शेयर सी से ले रहा है। अरे ये वही वाला बात हुआ, इक्वली ले रहा है, सेम जो ए में कहा है ना वही बात यहां हो रहा है, फर्क इतना है कि यहां पर हम इक्वली निकाले हैं, ए में क्या किए, ये ए नंबर जो क्वेश्चन था सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें हम इक्वली निकाले हैं, इक्वली निकाले हैं ना 6/12 यहां निकालना पड़ा, यहां निकाल करके दे दिया है। अब आप ही समझो ना, डी बी से ले रहा है 1/16 और डी सी से ले रहा है 1/16 को जोड़ो 1/8 शेयर आ जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है ना कि सी बी कितना दिया है 1/16 शेयर डी को, तो बी का जो शेयर है उसमें से माइनस कर दो 1/16, फिर सी ने अपने शेयर से कितना दिया है 1/16 माइनस कर दो 1/16, तो जो यहां पर जो शेयर वैल्यू आएगा बी का न्यू और सी का न्यू आ जाएगा, ए कुछ नहीं किया है तो ए का जो पहले से शेयर है वही रह जाएगा, और डी का जो क्या है 1/8 है तो देख लेना जो डिनोमिनेटर होगा उतना से गुना करके रेशियो बराबर कर देना। चलिए बी का सॉल्यूशन देखते हैं, बी का क्वेश्चन देख लो बाबू एक बार बढ़िया से, देख लिया पॉज कर लो देख लो। चलो बी में क्या करना है, ए का शेयर 3/6 है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी अपने शेयर से 1/16 दिया है किसको, डी को दिया है, तो बी का पहले शेयर था 2/6 उसमें से 1/16 घटा दिया 13/48 आ गया, सी 1/16 शेयर किसको दिया था, डी को दिया था, तो सी का पहले शेयर 1/6 था उसमें से 1/16 घटा दिया तो 5/48 आ गया और डी का 1/8 है। तो अब देख लो ए का कितना है, ए का कितना है 3/6, बी का कितना है 13/48, सी का कितना है 5/48 और डी का क्या है 1/8। अब यहां 48 48 है लेकिन ए का 6 है और डी का 8 है, अब तो रेशियो बराबर करना होगा, तो रेशियो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 3/6 6 के कितने टेबल में 48 आता है, तो 6 के 8 टेबल में, हाँ 8 वाले टेबल में आता है, तो 6 × 48 और 8 × 24 मतलब 25, एक मिनट साफ साफ लिख देते हैं भैया, ये सब तो भाई कैलकुलेशंस का पार्ट है, इसको समझिए फटाफट। अब हमको 48 लाने के लिए क्या करेंगे, 8 से गुना करेगा, जितना नंबर से गुना करेंगे 8, तो यहाँ पर होगा 24/48, ये किसका, ए का हो गया, तो ए का 24/48 हो जाएगा, बी का तो ठीक है 13/48 5/48, अब डी का क्या करेंगे, यहाँ देखिए डी का 1/8 है, 8 के कितने टेबल में 48 आएगा, 8 के कितने टेबल में 48 आएगा, तो 6 के टेबल में आएगा, जितना नंबर से यहाँ किया उतना नंबर से ऊपर करेंगे, मतलब 6/48। अब रेशियो हो गया, ए का हो गया 24/48, डी का हो गया 6/48, बाकी बी का 13/48 और सी का 5/48, तो हो गया क्या आपका 24:13:5:6:2:2:2, ठीक है, इस चीजों को समझिए आराम से, क्वेश्चंस को करिए। चलो फिर क्वेश्चंस क्या कर रहा है, सुरेश और रमेश यार पार्टनर इन द फॉर्म 5:3 में रेशियो कर रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2021 दे एडमिटेड दीपक एज अ न्यू पार्टनर 1/4 शेयर, कोई बात नहीं। 31 जुलाई 2018 में क्या हुआ, करण कौन है भाई, करण कौन है, अलग है, करण वॉज एडमिटेड एज अ 1/6 शेयर विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम सुरेश रमेश दीपक, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना, सुरेश का रमेश का दीपक का करण का, बहुत अच्छा खेला क्या हुआ इसको हम क्लियर कर देते हैं। 1 अप्रैल 2021 लिखने से पहले हम बता देते हैं कहानी का सारांश, समझो मेरे जुवानी, हुआ क्या कि सुरेश और रमेश पहले से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहा था 5:3 मतलब 5 × 3 = 8 3/8,
फर्स्ट अप्रैल को एक घटना घटा। क्या घटा? दीपक आया और बोला भाई मेरे को एडमिट कर दो, मतलब मेरे साथ ले लो। कितना शेयर दोगे? 1/4 शेयर, ठीक है। अब हुआ क्या कि आगे हुआ एडमिट हुआ तो सुरेश, रमेश और दीपक का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गया, NPSR। अब हुआ क्या कि 2018 ही है ना, है क्वेश्चन में प्रिंट कर गया है, यहाँ भी 2021 होगा। हाँ वही सोचे, 1 अप्रैल 2021 को घटना हुआ तो उसके बाद 31 जुलाई 2021 ना आएगा कि 18 आ जाएगा क्या यार, बुको मिस प्रिंट कर रहा है। तो 31 जुलाई 2021 में क्या हुआ कि करण आया। कौन आया? करण आया। और करण बोला कि हमको 1/6 शेयर चाहिए, 1/6 शेयर चाहिए और हम लेंगे इक्वली। किससे लेंगे? फ्रॉम सुरेश, रमेश और दीपक से। तो आप ही बताओ यार, जब तक सुरेश और रमेश और दीपक का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको यहाँ से पता नहीं चलेगा, कैसे हम इक्वली कितना लेंगे कैसे पता चलेगा। इसलिए सबसे पहला काम कर क्या करना है कि जो दीपक जो है 1/4 शेयर ले रहा है, तो 1/4 शेयर लेने के बाद सुरेश, रमेश और दीपक का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क इसको निकाल लेना है, तब जाके करण वाला मैटर को सॉल्व करना है। तो कोई बात नहीं, हमारे लिए कोई बड़ा बात नहीं है, हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं क्योंकि अभी आपने देख लिया, अब इसको फ्रेश कर देते हैं। सॉरी क्लास, चल इसको फ्रेश करते हैं। तो सुरेश 1/4 शेयर किसको चाहिए? दीपक को 1/4 शेयर चाहिए, 1/4 चाहिए। तो ये इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर लिए, पूरा शेयर के वैल्यू 1/4 मतलब 3/4। ये रिमेनिंग शेयर है, ये रिमेनिंग शेयर किसको मिलेगा? सुरेश और रमेश को मिलेगा। सुरेश का शेयर कितना है? सुरेश का शेयर है 5/8 नहीं लिखेंगे हम, लिखेंगे 3/4। 3/4 में से सुरेश अपने हिस्से का कितना ले जाएगा? 5/8। और रमेश अपने हिस्से का 3/4 में से कितना ले जाएगा? 3/8। कितना होगा? 5 × 3 = 15, 8 × 6 = 32। यहाँ होगा 3 × 3 = 9, 8 × 6 = 32। मतलब सुरेश सुरेश 15/32 और रमेश 9/32, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। और दीपक को कितना मिल रहा था? 1/4। तो दीपक 1/4 है लेकिन डिनोमेटर यहाँ 32, यहाँ 32 से 32 लाने के लिए क्या करना होगा? 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8/32। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सुरेश, रमेश और दीपक का क्या हो गया? तो सुरेश का कितना था? 15/32, रमेश का कितना था? 9/32 और दीपक का कितना था? 8/32। अब इसको कैसे लिख देंगे? 5:9:8। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट होगा तो करेंगे, नहीं तो इसी पर छोड़ देंगे। ये हो गया आंसर। अब जाकर के करण वाला मैटर सॉल्व होगा। करण कब आया? 31 जुलाई 2021 को आया और क्या बोला कि उसको जो करण को 1/6 शेयर मिल रहा है वो इक्वली मिल रहा है। तो करण है, अब यहां से कहानी सुनो, 31 जुलाई 2021 में कौन आया? करण आया। करण को कितना चाहिए था? 1/6 शेयर। वो बोला कि हमको इक्वली लेना है। किससे लेना है? सुरेश रैना, रमेश से लेना, दीपक से लेना। तो इक्वली लेगा तो कितना होगा? 1/6 × 1/3, 3 लोग हैं तो 3 होगा, 2 लोग हैं तो 2 होगा इक्वली में। रमेश से कितना होगा? 1/6 × 1/3। यार साफ साफ लिख देते हैं ना तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे लोग गड़बड़ा जाएंगे। चलो यहाँ है सुरेश, रमेश, दीपक। सुरेश इक्वली देगा तो 1/3 करेंगे क्योंकि 3 लोग हैं। रमेश 1/6 शेयर जो लिया है इक्वली लिया है, 1/3 करेंगे। दीपक से भी 1/6 × 1/3 किया है तो कितना होगा? 6 × 3 = 24 बच्चा लोग बोलेगा सर टेबल भी आप गड़बड़ा रहे हैं, क्या करोगे यार, कैलकुलेशन करवाना मेरा काम नहीं होता। खैर गड़बड़ाना नहीं चाहिए इतना चीज। तो यहाँ पर होगा 1/18, यहाँ भी होगा 1/18, यहाँ भी होगा 1/18। अगर कभी गड़बड़ लगे ना तो उसको जोड़ के देख लो, 1/18 1/18 1/18, क्या आपका 1/6 आ रहा है, तब हमारा क्लियर हो जाएगा। 18 और जोड़ेंगे 3 तो कितना हो जाएगा? 6 × 3 = 18, 1/6। हाँ सही, मतलब सुरेश से 1/18,
रमेश से 1/18 और दीपक से 1/18 लेगा, कौन करण लेगा। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, तो सुरेश का जो पहले से शेयर था 15/32, आप देखो ऊपर दिख रहा होगा सुरेश रमेश दीपक, तो सुरेश का जो शेयर था 15/32 उसमें से 1/18 घट जाएगा, क्योंकि पहले 15/32 था, अब 1/18 कौन ले लिया, करण ले लिया, घट जाएगा। उसी तरह से रमेश का शेयर कितना था 9/32, उसमें से 1/18 घटा देंगे। दीपक का उसी तरह से क्या है 8/32 था, उसमें से 1/18 घटा देंगे। तो 15/32 माइनस 1/18 करेंगे तो यहां जो रेशियो आएगा वो सुरेश का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। रमेश का 9/32 में से 1/18 घटाएंगे तो यहाँ रमेश का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। यहाँ दीपक का 8/32 में से 1/18 घटाएंगे तो यहाँ दीपक का होगा। और करण क्या है भाई 1/6 है, तो अब देख लो जितना डिनोमिनेटर आएगा उसके अकॉर्डिंग करण को मैनेज मैच कर दो। देखो 15/32 माइनस 1/18 किया कितना आ गया 119/2 है। रमेश का 9/32 में से 118 घटाया तो कितना आ गया 65/ सब सामने आंसर दिख रहा है 288। दीपक का 8/32 में से 1/18 घटाया तो कितना आया 56/288। तो उसी तरह से करण का 1/6 है, 1/6 में आखिर कितना गुना करेंगे तो 288 आएगा। तो नीचे भी 48 से इंटू करो, ऊपर भी 48 से इंटू करो, तो 48/288 आ जाएगा। तो रेशियो क्या बन जाएगा 119/65/56:48, ये आपका अपने आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है भाई, मेहनत कर ले, बड़ा आसान चीज है। आज जितना लेवल में करवा दे रहे हैं सफिशियंट है, इससे ज्यादा हाई लेवल में करने की जरूरत नहीं है। चलो जल्दी जल्दी हम लोग एंड पड़ाव में आ रहे हैं, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है, यह भी ध्यान रखना है। ए बी आर ए पार्टनर 7:3 रेशियो कर रहा है, सी एडमिट कर रहा है विथ 3/7 शेयर इन द प्रॉफिट विच यू टू 2/7 फ्रॉम ए 1/7 फ्रॉम बी। सी 3/7 शेयर लेकर क्या रहा है, जिसमें से वो 2/7 शेयर लेगा ए से और 1/7 शेयर लेगा बी से, तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ए का जो पहले से शेयर है, ए का कितना शेयर है 7/10, बी का पहले से शेयर कितना है 3/10, तो ए का जो शेयर है पहले से 7/10 उसमें से 2/7 घटा देगा। क्यों, क्योंकि सी खुल के कह रहा है कि हमको 2/7 शेयर ए से चाहिए, तो ए से चाहिए तो ए से घटा देते उतना शेयर। यहां पर सी खुल के कह रहा है कि 1/7 शेयर बी से चाहिए, तो बी का पहले से शेयर कितना है 3/10, उसमें से माइनस कर दिया 1/7, तो ए का न्यू रेशियो आ गया, बी का न्यू रेशियो आ गया। चलो सॉल्यूशंस देखो, ये 7/10 है, 2/7 दे दिया सी को, चला गया। बी का पहले से 3/10 था, 1/7 चला गया किसको, 1/7 शेयर सी को ले गया। तो भाई रिमेनिंग शेयर ए का बचा 29/70, बी का बचा 11/70। बात समझ में आया, अरे समझ बात कोई समझ। खुल के कह रहा था सी, क्या कह रहा था खुल के, क्वेश्चन चलो फिर से देखो। सी खुल के कह रहा था कि हमको 3/7 शेयर मिला है, जिसमें तो 2/7 हम ए से लिए हैं, यहां पर थोड़ा सा चला दिए इसलिए दिख नहीं रहा आपको। 2/7 शेयर हमको किससे चाहिए, ए से चाहिए, 1/7 शेयर बी से चाहिए। तो साइड से बात है 2/7 शेयर ए से ले लिया, मतलब ए का शेयर पहले से 7/10 था, उसमें से माइनस हो गया ना 2/7, क्योंकि उतना शेयर तो सी ले गया। बी का शेयर पहले से था 3/10, जिसमें से 1/7 शेयर कौन ले गया, सी ले गया, उतना माइनस करेंगे, वही चीज कर रहा हूँ यहाँ। ए का पहले से शेयर था 7/10, उसमें से माइनस कीजिए 2/7, तो आ गया 29/70। बी का पहले से था 3/10, उसमें से माइनस किया 1/7, तो आ गया 11/70। अब सी को ए से कितना मिला मेरे भाई 2/7, और बी से कितना मिला मेरे भाई 1/7, टोटल हो गया 3/7। ये तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था। तो ए का शेयर आप कितना हो गया 29/70, बी का शेयर कितना हो गया 11/70 न्यू रेशियो, और सी का कितना हो गया 3/7। सॉरी आपको अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे 70, यहाँ भी 70, यहाँ 7 है, नहीं अच्छा लग रहा है ना, तो इंटू 10 कर दीजिए, ऊपर 10 कर दीजिए, बराबर में लाइए, 30/70 हो गया। तो अब कैसा रेशियो हो गया 29:11:30। जब ये रेशियो फाइनल करना, चेक कर लेना सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, अगर कर सकते हो तो कर दो, नहीं कर सकते हो तो यही आंसर हो जाएगा। समझ गया, ए का क्लियर हो गया। चलो बी में देखते हैं, राम एंड श्याम 7:5 ले रहा है, 7:5 रेशियो है। मोहन इज एडमिटेड ऑन 1/6 शेयर विच ही टेक 1/24 फ्रॉम राम एंड 1/8 फ्रॉम श्याम।
अरे भाई क्वेश्चन है भाई, राम से लिया 1/24 और श्याम से लिया 1/8, तो राम का कितना शेयर हुआ है? 7/5 = 12, 7/12, 7/12 में से डिवाइड माइनस कर दो 1/24। श्याम क्या है? तो श्याम का 5/12 है, उसमें से माइनस कर दो 1/8, और 1/24 जो है, 1/24 प्लस 1/8 जोड़ दो, वो आपका किसका हो जाएगा? मोहन का। अरे भाई क्वेश्चन है, सेम ए वाला है यार, बी में, ये होमवर्क कर लो तुम लोग, सब कुछ उम्मीदें ना करो, कुछ तुम भी होमवर्क करो। ये आप लोग का होमवर्क, ठीक है, आंसर देख लो। ये राम का 13/24, 7/24, मोहन का 1/6 है, 24 लाने के लिए क्या करोगे? 1/6 इंटू 4, ऊपर भी 4, तो 4/24, 3:7:4 हो गया, बताया था ये होमवर्क क्या। चलो इसको ध्यान से देखो, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है। एबीसी पार्टनर है 3:3:2 का, 3:3:2 का रेशियो का है, यहां पार्टनर है। अब है क्या कि दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर 4/7 प्रॉफिट, जिसमें से डी को मिल रहा है 4/7, जिसमें से डी एक्वायर कर रहा है 2/7 फ्रॉम ए, 1/7 फ्रॉम बी, 1/7 फॉर सी, वही वाला बात है। तो डी लिया 2/7 फ्रॉम ए, तो ए का पहले शेयर कितना था? 3/8, देख लो ना, 3:3:2 मतलब 3+3+2, अब इसमें कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हो यार, 3+3=6, 8 हो गया, मतलब ए का हो गया 3/8, बी का हो गया 3/8। हमको नहीं लगता कि ये सब चीज भी आपको बताना पड़ेगा। 3/8 है ए का, बी का और सी का 2/8 है, तो ए का 3/8 है, जिसमें से माइनस 2/7 करो। काहे माइनस कर रहे हो? क्योंकि यहां खोल के डी कह रहा है कि हम 2/7 शेयर ले लिए, इसे माइनस कर दिए। बी में 3/8 में से माइनस 1/7 कर रहे हो, काहे कर रहे हो? तो यहां पर कह रहा है खुल के 1/7 शेयर बी से लिए, डी कह रहा है 2/8 में से 1/7 माइनस किए, काहे किए? तो यहां खुल के डी कह रहा है कि 1/7 शेयर हम सी से लिए, माइनस करके आए, ए का न्यू रेशियो आ गया 5/56, 13/26, बी का, सी का गया 6/56, और डी का शेयर कितना? 4/7, 4/7 यहां दिख रहा है ना। अब इसको भी 56 लिया भाई, काहे जाति कर रहे हो? तो 56 कितने में आएगा जल्दी से बताओ, एक मिनट, तो यहां पर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 32, 7 × 56, अब बराबर हो गया, सब डिनोमिनेटर बराबर हो गया, तो अब रेशियो क्या हो गया? 5:13:6:32 आंसर। चलो ये क्या है, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप लोग करेंगे। और हिंट कर देते हैं, लकी एंड जेनी है 4:3 में रेशियो कर रहा है, दे एडमिटेड एलन एज ए न्यू पार्टनर 20%, 20% को सीधा से रेशियो में लिया, 20% मतलब 20/100 मतलब 2/10 मतलब 1/5, इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में ले आइए, रेशियो में ले आइए, तब मजा आएगा। मतलब यहाँ सीधा पता चल गया कि एलन को 1/5 शेयर मिल रहा है, काम करता, कुछ नया नहीं है। एलन एक्वायर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो 4:1:2 फ्रॉम लकी एंड जेनी। अरे भैया कितना आराम से कह रहा है कि एलन ने जो शेयर है 1/5, ये जो शेयर है जिसमें वो 1:2 के रेशियो से, उसने किससे लिया है? लकी से एंड जेनी से, लकी एंड जेनी से लिया है, तो उसमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है सर? कुछ नहीं करना है। 1:2 रेशियो मतलब क्या है? लकी से 1/3 और जेनी से 2/3 रेशियो में, मतलब यहाँ एलन जो है, एलन जो है 1/5 × 1/3, एलन जो है 1/5 × 1/3 मतलब 1/15 जो शेयर है वो लकी से लेगा, और 1/5 × 2/3 मतलब हो गया 2/15 वो जेनी से लेगा, ठीक है। तो लकी से ले लिया, जेनी से ले लिया, तो लकी का पहले से शेयर कितना था? 4/7, तो 4/7 में से 1/15 घटा देंगे, क्यों? क्योंकि 1/15 शेयर तो एलन ले गया, एलन ही ले गया ना, हिंट कर दे रहे भाई,
और जेनी का पहले से शेयर कितना था 3/7, उसमें से माइनस कर दो कितना 2/15, का है क्योंकि ये 2/15 है वो एलन ले जा रहा है जेनी से, 1/15 है जो एलन ले जा रहा है लकी से, तो घटा देंगे तो एलन लकी का कितना आ जाएगा न्यू रेशियो 5/105 और जेनी का आ जाएगा 31/105 और एलन का 1/5 ही है तो 1/5 × 21 कर देगा, काहे 21 कर रहा है, 21 इसलिए कर रहा है एलन का कितना 1/5 है तो एलन 1/5 शेयर जो लिया इसमें हम 21 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि सबका डिनोमिनेटर 108 है तो 21 करके हम लेंगे 21/108 तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 53:31:21 ये हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आंसर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ये भी आपको मैंने आपको डिस्कस कर दिया, कोई बात नहीं होता है तो ये आप देख लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, इसको एक दो बार रिपीट करके पॉज करके देखो यार, एक बार रिपीट करके पॉज करके आराम से बातों को समझना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरे क्लास को अटेंड किया और नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर से न्यू एनपीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कुछ क्वेश्चन करेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास के बारे में बता दिए। अब जाते जाते अलविदा ले रहे हैं, अलविदा लेते साथ ही बस एक ही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि मेरे इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत मेहनत किया है, तो ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप हमारे कंटेंट वीडियो को देख रहे हैं तो बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाना मेरा भाई प्लीज, तो आप सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और आनंद लें, नेक्स्ट क्लास में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग का कुछ क्वेश्चन और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कुछ क्वेश्चन करेंगे आपके साथ। तो बाय बाय टाटा, लव यू, टेक केयर, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे प्रकैडमी और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। टाटा टाटा टाटा।